सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मिल्ली डेजस के खुसूसी शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुशाहिद हुसैन। ख़ानदान मुगलिया का आखिरी बादशाह और उर्दू का एक बेहतरीन मायनाज शायर, जिसने उस वक्त के सबसे बड़े शायर इब्राहिम ज़ौक और मिर्ज़ा गालिब से शायरी में रहनुमाई हासिल की, उस बुजुर्ग बादशाह का नाम है बहादुर शाह जफ़र, जो 1837 में 62 साल की उम्र में तख्त नशीं हुए। और क्या आपको मालूम है बादशाह बहादुर शाह जफ़र को आखिर मुल्क बदर क्यों किया गया था? और इसने खुद ये मशहूर शेर लिखा, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमी भी ना मिले कोई यार में। और 7 नवंबर 1882 को 87 बरस की उम्र में चल बसे, और इनकी मौत के साथ ही दुनिया के अजीम शाही खानदानों में से एक का इख्तिताम हो गया। लेकिन इनका नाम और इनकी तहरीर करदा उर्दू शायरी आज भी जिंदा है। दोस्तों, आज 7 नवंबर बहादुर शाह जफर का यौम वफात का दिन भी है। इसी मुनासिबत से हम मुगल डायनेस्टी के आखिरी बादशाह की मुख्तसर दास्तान बताएंगे। बहादुर शाह जफर के वालिद का नाम अकबर शाह सानी और वालिदा का नाम लाल बाई था, जो एक राजपूत घराने से ताल्लुक रखती थी। इन्होंने उर्दू, अरबी, फारसी जुबानों के साथ साथ घोड़सवारी, तलवारबाजी, तीरअंदाजी और बंदूक चलाने में भी काफ़ी महारत हासिल कर ली थी। बहादुर शाह जफर को हुकूमती उम्र के साथ साथ शायरी में भी दिलचस्पी थी। वो 4 दीवान तख्लीक कर चुके थे। क्ले मोहल्ला में शेर व शायरी की महफिलें मुनक्किद होती रहती थी, जिसमें उस वक्त के नामचीन शायर शेख इब्राहिम ज़ौक, असदुल्ला खां गालिब, मोमिन खां मोमिन, पंडित सिखानिन जैसे शोरा हजरात शरीक होते थे। 10 मई 1857 को हिंदुस्तानी सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मुनाफिकत, डोगली पॉलिसी और मजहबी मामलात में बेजा मुदाखलत के खिलाफ मेरठ में बगावत शुरू की, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदुस्तानियों की पहली मुलगीर जद्दोजहद थी। 11 मई 1857 को बागी सिपाही इनकलाब की बागडोर संभालने के लिए बहादुर शाह जफर के हुजूर में पेश आए। 82 साल आखिरी मुगल ताजदार हिंद ने अपनी बीमारी के सबब इनकलाबी तहरीक संभालने से ग्रीस किया। सिपाहियों और कंपनी के माबिन गिले शिकवे दूर करने के लिए सालिसी किरदार अदा करने की पेशकश की, लेकिन सिपाही हर हालत में वतन अजीज से अंग्रेज़ों को भगाने के दर पे थे, वो राजी ना हुए। आखिरकार बादशाह सलामत ने इनकलाबी तहरीक की बागडोर संभाली और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। बादशाह सलामत के मुतअद्दिद इकदामात ने बागी फौजों के हौसले में एक नई रूह फूंक ली। चुनांचे दिल्ली में कसरत से गाजियाने हिंद आने लगे। बहादुर शाह जफर ने हिंदुस्तान के ऊपर मंडलाते हुए खतरे को भांपते हुए तमाम रियासतों को ताउन के लिए खतूत रवाना किए। इन्होंने लिखा, मेरी ख्वाहिश है कि फिरंगी जिस तरह भी मुमकिन हो हिंदुस्तान से निकाल दिए जाएं और मुल्क आज़ाद हो, लेकिन आज़ादी की जंग उस वक्त कामयाब हो सकती है जब एक काबिल शख्स, जो तहरीक का तमाम बार अपने खांदों पर लेकर मुंतशिर क़ुव्वतों को मुनज़्ज़म कर सके और इस बगावत की रहनुमाई के लिए आगे बढ़े। मैं ज़ाती तौर पर हुकूमत की कोई ख्वाहिश नहीं रखता। अगर तुम देसी राजगान अपनी तलवार दुश्मन के खिलाफ बेनियाम करने को तैयार हो, तो मैं इनके हक में शहंशाही से इस्तीफा हो जाऊंगा। मुगलिया सल्तनत में हिंदू मुस्लिम गाड़ी के दो पहिए के मुतरादिफ थे, जिसकी वजह से इनकलाब का सूर फूकते ही दोनों शाना बशाना अंग्रेजी फौज से मौर्य का आजमाई करने लगे, और अंग्रेज़ों ने भारत की गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने के लिए हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया, जिनमें कारतूसों की चर्बी का हवाला देकर इनकलाबी मुसलमानों और हिंदुओं में झगड़ा पैदा करने की तलखीन की गई। 11 मई 1857 का मुकाबला जारी रहा। नासाजगार हालत के बावजूद कफन बदोश इनकलाबियों ने अंग्रेज़ी फौज से ज़बरदस्त मुकाबला किया। दिल्ली का हर कोचा व बाजार मैदान जंग में तब्दील हो गया। सड़कों पर खून की नदियां बह गई। 21 सितंबर 1857 मुगलिया तारीख का वो सियाह दिन है जब बहादुर शाह जफर, जोजा जीनत महल और शहजादे जवां बख्त ने जान बख्शी के वादे पर खुद अंग्रेज कमांडर के हवाले किया। बहरहाल अंग्रेजों ने बूढ़े बादशाह को हिरासत में लेकर जलील व खार और जहनी तकालीफ देने में कोई कमी ना छोड़ी। चुनाचे
2 अप्रैल 1838 को मुगल के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को जिला वतनी की सजा दी गई। 7 अक्टूबर को इस पर अमल करते हुए बादशाह सलामत को रंगून रवाना कर दिया गया, जहां वो निहायत कुसुम पुरसी की आलम में जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजार कर 7 नवंबर 1862 को अपने रब हकीकी से जा मिले। रंगून की एक पुरसुकून इलाके में वाक़ बहादुर शाह जफर का मकबरा हिंदुस्तानी तारीख के एक जज्बाती और मुतलातिम दौर की याद दिलाता है। उस वक्त बहादुर शाह जफर का सबसे बड़ा विरसा इनकी उर्दू शायरी है। मोहब्बत और जिंदगी के बारे में इनकी गजलें बरे सगीर भर के साथ साथ बर्मा में भी गाई और सुनाई जाती हैं। बतौर शहंशाह इनसे ताज व तख्त और सल्तनत छीन गए, लेकिन बतौर शायरी और बुजुर्ग वह आज भी अनगिनत लोगों के दिलों में हुकूमत कर रहे हैं। नाज़रीन, मिल्ली डाइजेस्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं।